अब हम लोग रेंज पर आते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन का रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो पहले डिफिनेशन सुनो। रेंज ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स एफ ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर इन द डोमेन। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे उस पर आ जाओ। सबसे पहले हम लोग डोमेन फाइंड कर लेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इफ डोमेन बिलोंग टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंप्लाइज दैट रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स वैल्यूज। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आओ, इफ डोमेन बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम दिस, फाइंड वाई फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स एग्जिस्ट। इस बात को याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ डोमेन बिलोंग्स टू ए फाइनाइट इंटरवल फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है, AOD के कंसेप्ट से आप पता करेंगे। अब देखो, जैसा एग्जांपल होगा उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बात चलती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 24 देखो, यहाँ पर रेंज आपको फाइंड करना है, ये आपका फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन में इसका जो डोमेन होगा वो R होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे ही ये भी आपका x माइनस, इसको आप लिख लेंगे इस तरीके से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कहने मतलब जो फंक्शन y था वो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने बोला कि यदि डोमेन R का मेंबर है तब आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो यानी ये जो डिफिनीशंस है प्रेजेंट टाइम में, अभी इसको अब आप एक्सप्रेस करोगे x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे एक्सप्रेस कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे और इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और तुम जानते हो इसकी जो वैल्यू आती है वह 0 to 1, आपकी 0 से लेकर 1 के पहले तक आती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वह 0 to 1। तो जब अब इस एक्स के इसके पोजीशन पर आप यहाँ से ये रख देंगे, ठीक है। अब इसे आप थोड़ा सॉल्व करें, तो नंबर लाइन पर आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वाई अपान 1 - y < 1 ये है, ठीक है। यहाँ y कोएफिशिएंट माइनस है, सबसे पहले से y कोएफिशिएंट प्लस बनाएंगे, कैसे, माइनस कॉमन कर लो या माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस वन, और यहाँ जो सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा, ठीक। अब इसको भी इधर रख लीजिए, इसको भी इधर रखेंगे तो y अपान y माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन 0। अब इसको आप लिखेंगे y
माइनस वन और वाई, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस वाई माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हो गया टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ठीक, ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ से ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी वन अपॉन टू, एक आ जाएगा तो वन अपॉन टू पर तो इक्वल ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ओपन लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ ओपन लगा दिया है। और इसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगी, वन के इक्वल हो नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया है, क्लोज्ड। ओके, इस तरीके से y की जो वैल्यू होगी वो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन पर। ऑड फंक्शन की क्या डिफिनेशन है कि आपका जो फंक्शन है उसे आप ऑड कहेंगे, कब कहेंगे कि जो आपका फंक्शन का आर्गुमेंट है जैसे एक्स है उसको रिप्लेस कराएंगे माइनस एक्स से, ठीक है, जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका आर्गुमेंट एक्स है, इसको रिप्लेस कराएंगे माइनस एक्स से और आपको मिल जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो समझ लेना कि आपका ऑड फंक्शन है फॉर ऑल एक्स। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब एक्स को रिप्लेस कराओ माइनस एक्स से तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स को आप माइनस साइन एक्स लिखते हो, और फिर अभी आपने साइन एक्स को क्या कहा, एफ ऑफ एक्स कहा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन इस डिफिनेशन को फॉलो करे तो समझ लेना कि वह फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। यह अगर आता है फॉर ऑल एक्स के लिए तो आपका यह फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो ऑड होगा। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अभी मैंने साइन एक्स को दिखा दिया, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, ये तीनों हैं आपके ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की क्या डिफिनेशन है, इवन फंक्शन की एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर इस डिफिनेशन को फॉलो करता है तो आप फंक्शन को इवन फंक्शन बोलोगे, एन इवन फंक्शन। ओके, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अब एक्स को रिप्लेस करा दो माइनस एक्स से तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, और कॉस एक्स को आपने एफ ऑफ एक्स कहा एफ ऑफ एक्स, तो आपने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस डिफिनेशन को फॉलो किया, इसलिए इस फंक्शन को आप इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और ये फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ पर ये लिखा गया है इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, ये मॉड एक्स भी इवन फंक्शन का एग्जांपल है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं इसे आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन की। पहला फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस या टू इवन फंक्शंस इज एन इवन फंक्शंस। ओके, सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज एन ऑड फंक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट, एवरी फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शंस। फोर्थ पॉइंट, द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ओके, जैसे तुमने देखा साइन एक्स ऑड फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स बनेगा, कॉस एक्स जो होगा इवन होगा, वही बात यहाँ लिखी गई है फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ए फंक्शन विच इज इवन या ऑड व्हेन स्क्वायर्ड बिकम्स इवन फंक्शंस। ओके, ये तो ऑड एंड इवन फंक्शन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
इसको आप याद रखेंगे। आगे बात बढ़ती है पीरियड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ओके, डिफिनीशन क्या है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ, कंडीशनल है, इफ देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये इस डिफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, सच दैट। ओके, तो एफ एक्स को आप कहेंगे पीरियोडिक विथ पीरियड टी। ओके, जैसे देखो यहाँ पर साइन एक्स है, आपको ये प्रूव करना है कि साइन एक्स पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है ये भी फाइंड करना है। तो आपको ये डिफिनेशन है तो इस डिफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस डिफिनेशन को फॉलो कर दिया तो समझ लेना कि साइन एक्स आपका पीरियोडिक है। अब तुम ये जानते हो कि साइन ऑफ एक्स प्लस टी जो होता है वह साइन एक्स होता है, ठीक है, आर आल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इस टी के पोजीशन पर आप तुम रख सकते हो, चाहे टू पाई रखो साइन एक्स प्लस टू पाई तो भी साइन एक्स आएगा, टी पोजीशन फोर पाई रखोगे तो भी साइन एक्स प्लस फोर पाई साइन एक्स आएगा, या सिक्स पाई रखोगे तो भी आपका यही आएगा। यानी कि टी के पोजीशन पर टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एंड सो ऑन ऐसे आएंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटा जो है वो टू पाई है, इसलिए इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो टू पाई होगा। ओके, और ये फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एक तरीका और है ग्राफ के लिए देखने का कि इफ़ ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल देन फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज द विड्थ ऑफ द दैट इंटरवल। ओके, अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसे आपको याद रखना है। जैसे देखो आप फर्स्ट में साइन पावर एन एक्स कॉस पावर एन एक्स सेक पावर एन एक्स कोसेक पावर एन एक्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर यदि एन आपका इवन है, यहाँ फोर फंक्शन है, साइन है कॉस है सेक है कोसेक है, ठीक है। यदि इसका पावर इवन है तो इसका पीरियड पाई आएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताओ, तो अब देखो n के पोजीशन पर 2 आया है, हियर हियर n इज इक्वल टू 2 जो कि इवन है, 2 क्या है इवन है, तो यहाँ इवन आएगा तो साइन स्क्वायर x का पीरियड आप पाई बताएंगे, ठीक है। इसका पीरियड आपको पाई बताना है, चाहे साइन स्क्वायर x पूछा जाए तो भी आप पाई बताएंगे, ठीक है, और अगर आपसे कॉस स्क्वायर एक्स पूछा जाए तो भी पाई बताएंगे, साइन पावर फोर एक्स का पीरियड पूछा जाए तो भी आप पीरियड पाई बताएंगे। यहाँ पर बता दिया गया कि यदि एन इवन है तो साइन कॉसेक कोसेक का पीरियड पाई आएगा। ओके, ध्यान देना अभी बात पूरी नहीं हुई है, यदि यदि एन ऑड हो जाए या कोई फ्रैक्शन हो जाए तब आप पीरियड पाई नहीं बताएंगे, तब आपको टू पाई बताना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे साइन एक्स का पीरियड, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखा था साइन एक्स का पीरियड, तो आपने बताया टू पाई। ओके, तो आप ये चार्ट याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रूट साइन एक्स का पीरियड तो भी आप टू पाई बताएंगे, चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे ऑड हो, तो आपको इनका इस फंक्शन का पीरियड टू पाई ही बताना है। ओके, अब सेकंड पॉइंट पाते हैं, टेन पावर एन एक्स कॉट पावर एन एक्स, ये दो फंक्शन है टेन और कॉट। अब एन आपका चाहे इवन हो या ऑड हो आपको आंसर पाई बताना है। ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यदि आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर मॉड लगे हैं तो समझ लेना तुमको पाई बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्स माइनस बॉक्स एक्स, इसका पीरियड आपको वन बताना है, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे रूट एक्स है एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब प्लस फाइव है, ऐसा है तो इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फाइंड पीरियड्स फॉर, अब आपको यहाँ पीरियड बताना है, तो जैसे देखो फर्स्ट
आप इससे बता सकते हैं पहले पॉइंट से क्या बताएंगे, कास पावर 4x है, एन की वैल्यू 4 है, तो आप इवन बताएंगे, इवन है तो पीरियड पाई बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑड है, पीरियड 2π बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कास रूट एक्स है, ठीक। अब रूट एक्स जो है एलजेब्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग है, इज नॉट पीरियड पीरियोडिक एज फॉर नो वैल्यू ऑफ टी, ओके, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ टी, कॉस रूट एक्स इज नॉट पीरियडिक, याद रखना है, ओके। फोर्थ पॉइंट रूट कॉस एक्स, रूट, अब यहाँ पर देखो ये इस पर आ गया, फ्रैक्शन वाले पर आ गया, तो पीरियड 2π बताएंगे, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसको याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियडिक फंक्शन। फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विथ पीरियड टी, देन आप फंक्शन में किसी नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो भी पीरियड आप टी ही बताएंगे, आर्गुमेंट में किसी नंबर से ऐड हो जाए तो भी पीरियड टी बताएंगे, फंक्शन में किसी नंबर का किसी कांस्टेंट से चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो तो भी पीरियड टी ही बताएंगे, सी आपका कोई कांस्टेंट है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक लिया है, साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, तुम जानते हो। अब एक फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स sin x + 4, अब साइन एक्स में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो भी पीरियड 2π ही रहेगा, प्लस 4 किया तो भी पीरियड 2π रहेगा, चाहे इसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो, इसके पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी 2π ही रहेगा, ओके। तो 5 टाइम्स sin x + 4 का पीरियड 2π बताएंगे, और यह एक पीरियडिक फंक्शन है, ओके। लिखा गया है दैट इज इफ कॉन्स्टेंट इज एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइड इन पीरियडिक फंक्शंस पीरियड रिमेन्स सेम, ओके। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड टी, देन के टाइम्स एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी हैज पीरियड टी अपॉन मॉड सी, दैट इज एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फंक्शन है, साइन का आर्गूमेंट क्या है, 2x + 5/9, यहाँ पर आर्गूमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो गया है, 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, इसलिए जो साइन का पीरियड है, साइन पीरियड कितना होता है 2π, साइन का पीरियड 2π होता है, इसलिए इसे 2 से क्या करेंगे, मॉड 2 से डिवाइड कराएंगे, 7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन का आर्गूमेंट तब भी पाई रहेगा, फर्क किससे पड़ेगा, एक्स के कोफिशियंट से, एक्स के कोफिशियंट से फर्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है, सी है, यहाँ मॉड सी आया है, इसी तरीके से। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा, पाई होगा, 2π/mod 2 = π, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास f1x f2x f3x, ये पीरियडिक फंक्शंस हैं जिसके पीरियड्स t1 t2 t3 हैं रेस्पेक्टिवली, देन अब इन फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो, अब उसका अगर हमको पीरियड बताना है तो हम क्या करेंगे कि t1 t2 t3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और जो एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा। कंडीशन है यदि hx जो आपका फंक्शन hx है, hx इज नॉट एन इवन फंक्शन, यदि hx इवन फंक्शन नहीं होगा तो केवल एलसीएम ले लेंगे, अगर इवन फंक्शन होगा तो एलसीएम के साथ साथ उसे 2 से डिवाइड भी करा लेंगे, ओके। अब कैसे एलसीएम लिया जाता है उसको सुनो, जैसे मान लो कि पहला पॉइंट कि यदि आपके पास a/b c/d e/f ये है, इसका एलसीएम लेना है, a/b c/d e/f इसका एलसीएम लेना है, तो आप न्यूमरेटर का पहले ले लो एलसीएम, ए सी ई का ले लो एलसीएम, ठीक, LCM, और डिनोमिनेटर जो है BDF इसका लोगे आप HCF, ठीक है। एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको लेना है 2π/3, यहाँ π/6,
पाई अपान 12, इसका एलसीएम लेना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम 2 पाई आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे तो वो 3 आएगा। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर होगा, ओके, एलसीएम का, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एलसीएम ऑफ रेशनल विथ रेशनल इज पॉसिबल, एलसीएम ऑफ इरेशनल विथ इरेशनल इज पॉसिबल, बट एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉट पॉसिबल, ओके। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। अब जैसे देखो 2π 16π, अब इसका ये पॉसिबल नहीं है, इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2π 6π ये तो इरेशनल है, 1 रेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, ओके। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल 35 देखो। यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स है, इसका आपको बताना है फाइंड द पीरियड। तो तुम जानते हो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2π होता है। साइन एक्स का पीरियड आप 2π बताएंगे, और इसका पीरियड होता है 1, ठीक है। तो इसका पीरियड 1 होता है, इसका 2π होता है, दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना संभव नहीं है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2π एंड 1, 2π इरेशनल 1 इरेशनल, इसका एलसीएम लेना संभव नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, सो एफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक, ओके। अब चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फाइंड द पीरियड इस फंक्शन का। तो देखो बेटा, टेन का पीरियड तुम क्या जानते हो, तो आप कहोगे टेन का पीरियड पाई होता है। आपको याद रखना पड़ेगा इस चार्ट से आपको याद रखना पड़ेगा टेन का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो टेन का पीरियड आप पाई बता देंगे। अब यक्स का कोफिशियंट 3 है, तो इसलिए आप बताएंगे पाई अपान मॉड 3, कहने मतलब पाई अपान 3। तो इस फंक्शन का पीरियड पाई अपान 3 आ गया, ओके। अच्छा, अब देखो साइन का पीरियड कितना होता है, तो साइन का पीरियड होता है 2π, और यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है, 1/3 है, तो 1/3 से क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6π, और ये बना आपका π/3, और दोनों के बीच में प्लस है, तो इसलिए इन दोनों क्या होगा, एलसीएम होगा। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि फंक्शन के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाएगा इनके पीरियड का। तो इनका पीरियड कितना आया, तो इसका पीरियड आया π/3, तो इस पहले फंक्शन का पीरियड π/3 बना, दूसरे फंक्शन का पीरियड बना 6π, ये बना जिसको आप 6π लिखेंगे। अब दोनों के बीच में प्लस है, तो इसलिए इन दोनों को एलसीएम ले जाएगा। अच्छा, अब आप देखो आंसर क्या लिखा जाएगा, देखो 6π को 6π/1 लिख सकते हैं, तो अब एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6π आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 6π। तो 6π आपका आंसर आ जाएगा। तो इस एग्जांपल 36 का पीरियड कितना आ जाएगा, 6π, ठीक है, एग्जाम्पल 36 हो गया, ओके। अब देखो आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 36 हो गया, अभी एग्जाम्पल 38 को देखते हैं। यहाँ देखो आपका फंक्शन जो पहले फंक्शन है ये मॉड साइन एक्स है, ये मॉड कॉस एक्स है। तुम जानते हो मॉड साइन एक्स का क्या होता है पीरियड, देखो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस, इसका पीरियड पाई होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा पाई, तो इसका भी पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, दोनों के बीच में प्लस है, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब बट आप ध्यान दो, एफ एक्स जो है इवन है, एफ एक्स इवन है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करा लेंगे, तो पाई अपान 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप तैयार करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, ओके। अब बात आगे बढ़ती है काइंड्स ऑफ फंक्शन की, आपके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, 1/1 on 2 होता है, ठीक है, जिसे बाइजेक्टिव कहते हैं, इसका एक नाम और है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ओके,
11 इंटू ओनली इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, मैनी वन ऑन टू नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, मैनी वन इंटू नॉन इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, इसकी पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, चलो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। वन वन ऑन टू, तो जैसे हमने यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x+4, ये फंक्शन है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये 11 ऑन 2 है या नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 11। ठीक है, तो अब आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, तो इसलिए यह फंक्शन हमारा क्या है, वह 11 है। ठीक है, यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई। जब भी पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो आपका आंसर आएगा एफ एक्स इज 11। अगर यहीं पर हम आपको फंक्शन दे दें एफ ऑफ एक्स इजिकल टू -x+4, अब इसे हम आपसे 11 पूछें तो आप इसे डिफरेंशिएट करें, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है? -1 एक नेगेटिव है। मैंने कहा चाहे पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो आपका आएगा देयरफॉर एफ एक्स इज 11। ठीक है, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आंसर 11 देना है। ओके, बट यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिख दिया x2, अब इसे आप डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स तो ये आ जाएगा 2x। अब मैं आपसे पूछूं 2x पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप ये नहीं बता सकते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए एफ एक्स इज नॉट 11। ओके, तो 11 की पहचान आप ऐसे करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट करके यदि पॉजिटिव आता है तो 11 कहेंगे, यदि नेगेटिव आता है तो भी 11 कहेंगे, लेकिन यदि आप नहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो नॉट 11। ओके, या -1 कहेंगे। ओके, अब आप बात आगे बढ़ती है ऑन टू की। ये तो हो गई 11 की बात, 11 की बात हो गई, -1 की भी बात हो गई। ठीक है, अब बात चलेगी ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि आप फंक्शन का निकालते हैं रेंज। ठीक है, तो जैसे हम पहले इस फंक्शन बात करते हैं, इसका रेंज क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका रेंज आर आएगा। ठीक है, इसका रेंज आर आएगा और कोडोमेन भी आर है, यानी कि यदि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अदरवाइज इनटू। ओके, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तभी जाकर आप ऑन टू कहेंगे, अदरवाइज इनटू कहेंगे। तो आपको रेंज निकालने आ गया है। ठीक है, रेंज निकाल लीजिए फंक्शन का और फिर उसके बाद देख लो क्या कोडोमेन के इक्वल है। यदि कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है, नहीं है तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। ओके, आगे बात बढ़ती है, आगे बात चल करते हैं। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पर। ठीक है, जैसे इनवर्स रिलेशन था वैसे ही इनवर्स फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पर देखो यफ आपका फंक्शन है 1 2, ये पेयर 1 2 बनेगा, तो 1 2 ये 2 4 बनेगा, तो 2 4 ये 3 6 बनेगा, 3 6 ये 4 8 बनेगा, तो 4 8। अब यफ इनवर्स में क्या होगा, ये पेयर आपस में रिवर्स हो जाते हैं। जैसे 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 2 4 है 4 2 हो जाएगा, 3 6 है तो 6 3 हो जाएगा, 4 8 है तो 8 4 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो जो बी है वो पहले हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा।
और यहाँ एफ इनवर्स लिखा जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब एफ का जो डोमेन होगा वो रेंज का, रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा। ओके, ये जो डोमेन है, ये डोमेन है एफ का, और यहाँ पर ये एफ इनवर्स का रेंज है। ओके, इस तरीके से, ठीक है, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर तुम इसको एफ एक्स इजल टू थ्री एक्स माइनस फाइव है, अब ये आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले इसे y इजल टू क्या लिख लीजिए, थ्री एक्स माइनस फाइव। ठीक, अब हम रेंज निकालते हैं, तो x को y के टर्म में लिखेंगे, तो थ्री एक्स माइनस फाइव इजल टू वाई, थ्री एक्स इजल टू वाई प्लस फाइव, तो x इजल टू वाई प्लस फाइव अपॉन थ्री, एक्स को y के टर्म में लिख लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है x को या इनवर्स y से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब जहाँ पर y है वहाँ पर पुनः x लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, या इनवर्स x इजिकल टू x प्लस फाइव अपॉन थ्री। इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो भी फंक्शन आपका वन वन आन टू है, ठीक है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, वन वन आन टू है, तो समझ लेना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, फाइंड इट्स इनवर्स, ऑब्जेक्टिव है तो इनवर्स 100%। ओके, ठीक है, बाइजेक्टिव, अ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, याद रखना, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज यूनिक, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, थर्ड पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, तो बी टू ए इनवर्स ऑफ एफ, एफ ओ जी इजल टू आई बी, जी ओ एफ इजल टू आई ए। ठीक है, और फिर लास्ट फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी बी टू सी, यदि कंडीशनल है आर टू बाइजेक्शन, देन जी ओ एफ ए टू सी इज बाइजेक्शन। ठीक है, एंड जी ओ एफ इनवर्स इजल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। फिफ्थ पॉइंट, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, बट इफ एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, देन आइदर एफ इनवर्स इक्वल टू जी या जी इनवर्स एफ इक्वल टू एफ, आल्सो एफ ओ जी इजल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इजल टू एक्स। ओके, इस तरीके से ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पर हम आपको असाइनमेंट देंगे, आपको करना है।